We are going to start with next topic, which is casualization of employment. What is casualization of employment? When percentage of casually hired workers, जब casually hired workers की जो percentage है workforce के अंदर, these two terms we have done in the previous lecture. You can refer to the previous lecture, right? Casually hired workers की जब percentage total workforce के अंदर rise करे over time, that is called casualization of employment. इसका मतलब है कि जो कैजुअल नेचर के वर्कर्स हैं उनकी संख्या वर्कफोर्स के अंदर इंक्रीज कर रही है. सो व्हाट इज़ द कंसर्न हियर? कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो जॉब सिक्योरिटी होगी कैजुअल सेक्टर में, या आप कह सकते हो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है. सो जॉब सिक्योरिटी कैजुअलाइजेशन बढ़ने बढ़ने के साथ कम हो जाती है. नेक्स्ट टर्म इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देर आर टू सेक्टर्स विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. नंबर वन फॉर्मल सेक्टर, नंबर टू इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. वट इज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो कि 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करे. ठीक है, और अनऑर्गेनाइज है ये इनफॉर्मल सेक्टर का. इट्स एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, एक ऐसा सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है प्लस वो 10 से कम लोगों को एम्प्लॉय करे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स. यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स आती हैं जो कि 10 से कम लोगों को एम्प्लॉय करें. इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पेंशन, PF. ठीक है, ग्रेचुटी, इस तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाते हैं जबकि इनफॉर्मल में नहीं दिए जाते. दे आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज. फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज. इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज. फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर्स काम करते हैं दे आर नॉट ऑल्सो नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. एंड 90% ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर. नेक्स्ट टर्म इज इनफॉर्मलाइजेशन. इट्स अ सिचुएशन व्हेन पीपल टेंड टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मोर इन द इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, जब लोग शिफ्ट कर जाते हैं फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर, लोग जॉब्स को वहाँ ढूंढते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर फाइंड आउट करते हैं जॉब्स को. व्हाई डू दे फाइंड जॉब्स इन इनफॉर्मल सेक्टर? नंबर वन, लेस अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अ जॉब. नंबर टू, फॉर्मल सेक्टर इज नॉट सफिशिएंट टू अब्सॉर्ब ऑल द अनएम्प्लॉयड पीपल. सो दैट इज़ व्हाई पीपल ऑल्सो शिफ्ट टू इनफॉर्मल सेक्टर. नेक्स्ट, इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड. 8th पास, 10th पास लोग भी इनफॉर्मल सेक्टर में आराम से काम कर सकते हैं.